नमस्कार, नवोदय प्लस टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सकीना। आइए देखते हैं आज की ये खास खबर। वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की नगरी झांसी में ऑल इंडिया जमीयतुल कुरैश सामाजिक संस्था द्वारा शहीदों को याद किया गया और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। देश के पहले योद्धा वीर स्वतंत्रता सेनानी शेर ए मैसूर टीपू सुल्तान व वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई का जन्मोत्सव मनाया गया। क्रांतिकारी वीर शहीद भगत सिंह, शहीद अशफाक उल्ला खां, शहीद राजगुरु, शहीद चंद्रशेखर आज़ाद, शहीद सुखदेव व ब्रिगेडियर उस्मान खान, शहीद वीर अब्दुल हमीद, शहीद गुलाम गौस खां आदि महापुरुषों को याद किया गया तथा उन्हें सलामी दी गई। कॉन्फ्रेंस में शेर ए मैसूर, टीपू सुल्तान और महारानी लक्ष्मीबाई के जीवन पर प्रकाश डाला गया। वरिष्ठ समाजसेवी हाजी सैयद सादिक अली विधानसभा प्रभारी ने कहा, हमें गर्व है ऐसे देश के पहले स्वतंत्रता सेनानी टीपू सुल्तान पर जिन्होंने दलितों को समानता का अधिकार दिया। टीपू सुल्तान अपने राज्य में सबको बराबर का अधिकार देते थे। उस जमाने में मंदिरों को जमीन, धन और जेवर दान किए। हमें उनकी बहादुरी पर गर्व है। बुंदेलखंड निर्माण मोर्चा के अध्यक्ष भानु सहाय ने कहा कि देश की दो महान हस्तियों ने अंग्रेजों के खिलाफ यह पहला स्वतंत्रता संग्राम का बिगुल बजाया था, जिनमें सेनानी टीपू सुल्तान व महारानी लक्ष्मीबाई का नाम अग्रणी है। हम उनकी कुर्बानियों को भुला नहीं सकते, जिन्होंने बिना भेदभाव देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। आज उन्हें हम सच्चे दिल से सलाम करते हैं। हम बुंदेलियों को इन शहीदों से प्रेरणा लेनी चाहिए, जो देश की आज़ादी के लिए लड़े और देश को आज़ाद कराया। हम भी बुंदेलखंड राज के लिए लड़ेंगे और लेकर रहेंगे। वरिष्ठ अभिवक्ता समीम खान ने कहा, अंग्रेज़ों के जुल्मों सितम के बाद भी उन नौजवान शहीदों ने देश को बचा कर ही दम लिया और अंग्रेज़ों के मंसूबों को नेस्तनाबूद कर दिया। हम उन्हें अकीदत पेश करते हैं। हैदर कुरैशी, चौधरी खुर्शीद, शब्बीर कुरैशी, हाजी नफीस कुरैशी, छोटू कुरैशी, चौधरी हारून कुरैशी, जमील अहमद कुरैशी आदि ने शहीदों के जीवन पर प्रकाश डाला। हाफिज कारी फुरकान, हाजी सलीम कुरैशी, नौसे मियां ने देश में अमन भाईचारे के लिए दुआएं की और शहीदों को श्रद्धांजलि व सलामी दी। कॉन्फ्रेंस में चौधरी रईस कुरैशी, चौधरी आरिफ, शरीफ खान कुरैशी, सगीर कुरैशी, जाकिर कुरैशी, आबिद वरकाती कुरैशी, इरफान कुरैशी, शफीक कुरैशी, शकील कुरैशी, चौधरी कादर, अनीस कुरैशी, जावेद कुरैशी, चौधरी नासिर व सुल्तान, रोहित, मनोज, सलीम कुरैशी, मोहम्मद फारूक कुरैशी, राशिद कुरैशी, सैयद सोहेल, बबलू आज़ाद अली, संजय जैन, कालीचरण कुशवाहा, राजू सिंधी, भैया कुरैशी आदि सैकड़ों की संख्या में लोगों ने शहीदों के चित्र पर पुष्प अर्पित कर सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित की। कार्यक्रम का संचालन चौधरी नफीस केमिस्ट ने किया। आयोजक मोहम्मद कलाम कुरैशी, राष्ट्रीय महासचिव ऑल इंडिया जमीयतुल कुरैश ने सभी का आभार व्यक्त किया। नवोदय प्लस टाइम्स के लिए झांसी से मुश्ताक अली के साथ इसरार अहमद की रिपोर्ट। भानु जी, क्या प्रोग्राम हुआ है आज? जो हमारे यहाँ के जितने भी शहीद हुए हैं उनको नमन करने के लिए यहाँ कलाम साहब ने हम सबको इकट्ठा किया था। बड़ी मात्रा में सारे लोग यहाँ इकट्ठे हुए और उन सबके वो श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। साथ ही ये भी प्रतिज्ञा ली है कि जो जो कार्य उन्होंने करने का प्रयास किया था देश प्रेम का, जो देश प्रेम पे मिटने की उनने तपस्या की थी, उसको कहीं ना कहीं हम लोग भी आत्मसार करेंगे, कहीं ना कहीं हम भी उसी पद पर आगे बढ़ने का कार्य करेंगे। ये जो वर्तमान के निकृष्ट लोग जो बिखराव की राजनीति कर रहे हैं, उससे दूर हटकर हम एक होने का कार्य करेंगे। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भारत की पहचान थी, इस पहचान को बनाने के लिए हम कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई का जन्मदिवस था, वीरांगना ने पूरी तरीके से यहाँ लड़ाई लड़ी थी, उसमें आपने कल बंद कर दिया गया, उसमें
अरे बंद तो कर दिया आपके मोदी जी ने डर से यार, कि मोदी जी को काले झंडे दिखाना था, उन्होंने उठा के हमें चार दिन पहले बंद कर दिया। लेकिन प्रश्न हमारा दूसरा है कि मोदी जी झांसी आए थे, वो महारानी के लिए क्या देके चले गए? वो क्यों आए थे झांसी महारानी रानी लक्ष्मीबाई के जन्म दिवस पर? उन्होंने ऐसा क्या कर दिया रानी झांसी के लिए? अगर आए थे तो उनको भी जलसा बनाना चाहिए था, उनको भी पूरे जनता को जोड़ना चाहिए था, उनको भी हम लोगों से श्रद्धा सुमन अर्पित कराना चाहिए था, ना कि हम लोगों को घर में जेल में बंद रखना चाहिए। दीपांजलि जैसा कोई कार्यक्रम नहीं हुआ, ना कोई कार्यक्रम हुआ, ना मुझे यही समझ में नहीं आ रहा मोदी जी आए क्यों थे। प्रश्न करिए ना उनसे, इतने करोड़ रुपए खर्च हो गए, सिर्फ आप झांसी आए और झांसी से चले गए। किस लिए खर्च हो गया ये पैसा? किसका था ये पैसा और कैसे खर्च हो गया ये पैसा? दूसरा एक और प्रश्न भी है मान्यवर, आप सारे लोगों से निवेदन कर रहे हैं, मेरे अधिवक्ता बंधु भी साथ में, किला अति संरक्षित क्षेत्र में है, किले के परकोटे के अंदर कार्यक्रम हो कैसे गया? इसकी अनुमति मिल कहाँ से गई? इसके खिलाफ FIR होती क्यों नहीं? एक मांग थी जनता की, उम्मीद भी थी कि तलवार मोदी तलवार ला सकते हैं, लेकिन ऐसा कोई भी नहीं हो, क्या कहना? अरे मोदी जी तलवार आपकी क्यों लेके आएंगे? मोदी जी का आपसे वास्ता क्या है जो मोदी जी तलवार लेके आएंगे? ये तलवार हम और आप लेके आएंगे, अगर हम और आप में कुब्बत और जुब्बत होगी तो हम लेके आएंगे इस तलवार को। ये तय मान लीजिए आप, तलवार उन गद्दारों के यहाँ जहाँ रखी हुई है रानी झांसी की, कदापि नहीं होना चाहिए। उस तलवार का स्थान झांसी में म्यूजियम में है, ना कि ग्वालियर के म्यूजियम में है। सर्वप्रथम होना ही ये चाहिए था कि अगर रानी झांसी की तलवार वहाँ है तो हमको सबसे पहले वापस कर देना चाहिए। हमसे लगातार जुड़े रहने के लिए अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अब कर दीजिए। लेटेस्ट न्यूज़ के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए।